नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसर 557 फोर व्हील ड्राइव के बारे में। तो दोस्तों, इस ट्रैक्टर की हम फुल डिटेल में बात करेंगे, साथ ही में दोस्तों इसका फुल रिव्यू करेंगे और स्पेसिफिकेशन जानेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में कि कंपनी हमको इसमें क्या न्यू टेक्नोलॉजी दे रही है, साथ ही में दोस्तों क्या हमको इसमें नए फीचर्स दे रही है जिससे हमारे किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इसके टायर साइजों से। तो दोस्तों, हम फ्रंट टायर की बात करें तो दोस्तों 9/5/24 के हमको इसमें फ्रंट टायर देखने को मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों, हम रेयर टायर यानी पिछले टायर की बात करें तो दोस्तों इसमें 14/9/28 और 16/9/28 दो कंपनी हमको ऑप्शन देती है। तो दोस्तों, हम अब इसके इंजन के बारे में बात कर लें तो दोस्तों इसमें हमको मिल जाता है पूरे 50 HP का एक शक्तिशाली इंजन जो कि 3 सिलेंडर में अपनी पूरी पावर डिलीवर कर देता है। वहीं दोस्तों, हम इसके इंजन CC की बात कर लें तो 3300 CC की एक दमदार इंजन कैपेसिटी हमको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। साथ ही में दोस्तों, हम इसके फ्यूल इंजेक्टर पंप के बारे में बात करें जो कि इनलाइन में आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके क्लच और ब्रेक्स के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम इसके क्लच के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी हमको इसमें डुअल और सिंगल का ऑप्शन देती है, जिस हिसाब से जो भी कस्टमर या किसान भाई है वो अपने हिसाब से इसमें चॉइस कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, अब हम ब्रेक की बात करें तो दोस्तों इसमें हमको मिल जाते हैं ऑयल इमस ब्रेक, जिसकी परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत बढ़िया मानी जाती है। साथ ही में दोस्तों, ये ब्रेक्स लो मेंटेनेंस रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन और गियरबॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, पहले हम बात करें इसके गियर्स के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी हमको इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स देती है। वहीं दोस्तों, अब हम इसके गियरबॉक्स की बात कर लें तो दोस्तों इसमें हमको मिलता है साइड शिफ्ट सिंक्रोमैक्स टाइप का गियरबॉक्स, जो कि दोस्तों हम स्पीड में भी गियर चेंज करते हैं तो आवाज़ भी नहीं करते और दोस्तों ये स्मूथली वर्क करते हैं। साथ ही में दोस्तों, ये लो मेंटेनेंस वाले रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें ADDC टाइप की हाइड्रोलिक पहले से ही आती थी और दोस्तों अभी भी इसमें ADDC टाइप की ही हाइड्रोलिक आती है, जिसमें दोस्तों जो ब्लैक वाला लीवर जो रहता है वो पोजीशन के लिए और रेड वाला जो लीवर रहता है वो ड्राफ्ट के लिए, जिससे दोस्तों हम हमारी हाइड्रोलिक से ज़्यादा सेंसिंग ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, हम इसे बैक साइड चलते हैं तो दोस्तों हम इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लें तो 1470 से लेकर 1850 कैपेसिटी वाली लिफ्टिंग कैपेसिटी हमको देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों, आगे हम बात करें इसके 3-पॉइंट लिंकेज की तो दोस्तों इसमें हमको 3-पॉइंट लिंकेज भी देखने को मिल जाता है, जिससे हम हमारी ज़मीन के हिसाब से हमारे ट्रैक्टर से सेंसिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसकी PTO के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हमको पूरे 42 HP की एक शक्तिशाली PTO देखने को मिल जाती है, जो कि सभी कृषि कार्य करने के लिए सक्षम है। आगे हम बात करें इसके PTO RPM के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हमको 540 लाइव RPM देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड में आते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस ट्रैक्टर से रिलेटेड या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।